हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है कनिष्का की रसोई में। और आज हम लोग बनाएंगे मूंग लेट। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी मूंग की दाल जो हमने 2-3 घंटे पहले भिगो के रखी थी। अगर आप लोगों को इंस्टेंटली बनाने हैं तो आप गर्म पानी में इसे भिगो के रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो है केवल एक दो घंटे के लिए जो हमने इसको भिगो के रखा था वो केवल 10 मिनट में इसका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा अदरक, ये इतना बड़ा आपको अदरक का टुकड़ा इसमें रखना है। और ये 4-5 हरी मिर्च हैं। अगर आप थोड़ा स्पाइसी कम चाहते हैं तो आप एक हरी मिर्च इसमें से कम कर सकते हैं। एंड ये है सॉल्ट और ये है थोड़ी सी हल्दी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हींग का भी यूज़ करना चाहते हैं, आपको पसंद है अपनी आपकी रेसिपी में कि आप लोग को खाना पसंद है हींग, तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ओनली 1 पिंच आपको इसमें डालना है। अब हम इस दाल को जिंजर एंड ये हरी मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इन सबको हम इसमें ग्राइंडर में डालेंगे और इन सबको ग्राइंड करेंगे, हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने इसमें ग्राइंडर में डाल लिया है इसको, दाल को एंड अदरक और हरी मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट। अब लोग देख रहे हैं इसमें कितना पानी है। मैं आपको हिला के दिखा देती हूँ एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसमें इतना ही पानी रखना है, इनफैक्ट थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि जो बैटर हमें बनाना है वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, उसको वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ मूंगलेट बनाने में प्रॉब्लम होगी फिर हम लोगों को। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ये ग्राइंड होने के बाद ऐसा है, इसको बिल्कुल महीन नहीं पिसना है, इसको थोड़ा सा हमें दरदरा रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अब मैंने ग्राइंडर से इसमें निकाल लिया है, डोंगे में निकाल लिया है। और अब इस बैटर में मैं थोड़ी सी हल्दी मिलाऊंगी, जिससे कि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें लाल मिर्च डालना तो आप थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने शुरू में ही इसमें हरी मिर्च डाल ली है अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसकी, ये देखिए अब इसकी जो कंसिस्टेंसी हो गई है, इस तरीके से की हो गई है। इससे ना तो पतला होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा टाइट होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने गैस सिम करके इसके ऊपर पैन रख दिया है। अब मैं इसमें बटर डालूंगी। ये देखिए ऐसे करके हो गया है। अब इसको अच्छे से आप घुमा लीजिए चारों तरफ, जिससे कि जो ये मूंगलेट है वो पैन में ना लगे। ये देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पैन में इसको चमचे की हेल्प से इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे करके हम फैला लेंगे। ये देखिए, और अभी गैस हम सिम ही रखेंगे, जैसे जैसे ये पूरा फैल जाएगा वैसे वैसे हम थोड़ी सी गैस हम बढ़ा देंगे। और इसको हमें 5 to 10 मिनट्स एक साइड से सेकना, 5 to 7 मिनट्स एक साइड से सेकना है। फिर उसके बाद जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हमें इसको पलट देना है। पलटने के बाद आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि मैंने बटर यूज़ किया है, अगर आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग हैं कि बटर नहीं इनको पसंद आता है, तो वो लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बटर डाला है। अब हम लोग थोड़ी सी गैस बढ़ा देंगे, जिससे कि क्या है ये थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, जिससे कि ये कहीं, लेकिन फिर बीच में हल्की सी बढ़ाएंगे गैस, फिर बीच में थोड़ी सी सिम करेंगे, जिससे कि ये नीचे जले ना। अगर आप चाहते हैं इसको नॉन स्टिक पैन में बनाना, तो आप इसको नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं।
लेकिन मैं नॉनस्टिक जो बर्तन है उनको यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इसको एल्यूमिनियम के पैन में बना रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए आप लोग, अब ये थोड़ा हल्का हल्का चारों तरफ से लग रहा है देखने में कि सिकना शुरू हो गया, इस तरह से देखिए। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए हल्का सा हमें लग रहा है कि यहाँ से सिकना शुरू हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक साइड से एक, या तो आप चंकी चाट मसाला रेडीमेड ले आइए मार्केट से, या फिर आप लोग इसको घर में भी बना सकते हैं। वो मेरी अलग रेसिपी है, उसको मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं ये मसाला इसके ऊपर डाल देती हूँ ऐसे। अब हमें लगता है कि ये सिकने लग गया है, शायद सिक गया है, तो अब हम लोग इसको पलट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको पलट दिया है और पलटने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसको आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसको पलटने से पहले इसके नीचे आपको बटर या घी या जो भी आप यूज कर रहे हैं, रिफाइंड भी आप यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको रिफाइंड या बटर घी जो भी आप यूज कर रहे हैं वो इसमें आपको पहले डालना है पलटने से पहले, वरना ये फिर नीचे से लग जाएगा, जल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसको 5 मिनट्स हम सेकेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का मूंगलेट तैयार हो गया है। ये देखिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला अगर और चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद इसको आप ग्रीन चटनी एंड रेड चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको कैचअप के साथ खाना तो आप कैचअप भी के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये ग्रीन चटनी है फ्रेंड्स, ये ग्रीन चटनी ये मैंने बनाई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एंड ये रेड चटनी है, इमली चटनी जिसको बोलते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके ये दोनों चीज़ें बना सकते हैं। थैंक यू।